हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैजिक वर्ल्ड 11। आज डीएम की करंट एनर्जी जानेंगे हम। ट्विन फ्लेम के ट्विन फ्लेम्स के लिए है, तो शुरू करते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और वीडियोस बना सकूं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, द टावर रिवर्स आया है। हेरोफेंट, ओके। करंट फीलिंग्स तो यही है। ओवरऑल एनर्जी सेवन ऑफ वॉन्ड्स। करंट एनर्जी यही है कि फिलहाल काफ़ी मिस कर रहे हैं आपको। आपके लिए काफ़ी पैशनेट हैं एंड आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। टावर कार्ड रिवर्स आया है, तो अभी आप काफ़ी हद तक उनकी हीलिंग हो चुकी है एंड वो आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक फैमिली शुरू करना चाहते हैं। काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं, लेकिन किसी दो चीज़ों को लेकर बीच बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं। मुझे लग रहा है कि थोड़ा और आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करिए। आप भी कंफ्यूज्ड हैं इसी वजह से, क्योंकि मिररिंग होती है हमेशा, तो आप कंफ्यूज्ड रहेंगे, तो वही वो भी होंगे। तो अपने एनर्जी को बैलेंस करिए एंड काफ़ी स्पिरिचुअली अवेकन हो रहे हैं एंड हो चुके हैं, ऑलमोस्ट उनका हो चुका है और आपके पास आने की सोच रहे हैं। काफ़ी पैशनेट हैं, काम कर रहे हैं। पर ये देखिए, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी में है, तो अभी उनकी वो 3D में ही हैं, 5D में नहीं आए हैं। तो उनसे बात करते वक्त अगर वो इगोइस्टिक हैं या जो भी हैं, तो आप लेकिन 5D से ही ऑपरेट करें, उनकी एनर्जी को मिरर ना करें। ध्यान रखिए बात करते वक्त, हो सकता है पुरानी बातें छेड़ें, आप पुरानी बातें भूल जाइए, पुरानी बातें ना बोलें और जस्ट गो विद द फ्लो। ज़्यादा सोचें ना, आप अपने काम पे लगे रहिए। जब वो बात करने आएंगे तो वो पेज ऑफ कप्स की एनर्जी में ही होंगे। आपको ऑफर देना चाहते हैं, आपके लिए प्यार है, लेकिन उनकी एनर्जी जो है वो पेज ऑफ कप्स की है। किंग नहीं बने हैं वो, अभी 3D में ही हैं। तो बात करते वक्त हो सकता है कि आप थोड़ा सा ईगो उनमें आ जाए या फिर थोड़ी सी पुरानी बातें छेड़े। पर आप ध्यान रखें कि आपको तो पता है कि नर्व वर्क आपने किया हुआ है, आप तो स्पिरिचुअली फुली अवेकेंट हो, तो आप उस तरह से रिएक्ट करें, ज़्यादा गुस्सा ना दिखाएं, प्यार से रिएक्ट करें। अगर आप रिएक्ट कर रहे हो और तब भी वो नाराज़ हो रहे हैं, तो जाने दीजिए, वो उनको आना ही, आप ही के सोल आप ही के पास आएंगे। तो जस्ट गो विद द फ्लो। देखते हैं आपके लिए क्या सोचते हैं, साइकिक रीडर से देखेंगे। ये उनकी करंट एनर्जी है डीएम की, जो मैंने अभी बोल दी। उनको नहीं पता कि आप इतनी ग्रो हो चुके हो, आप 5D तक अपने इनर वर्क करके पहुंच चुके हो, पर रीयूनियन बहुत जल्दी हो सकती है क्योंकि उनकी अवेकनिंग हो चुकी है। उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हमारी तरह एग्जैक्टली नहीं होती, थोड़ी अलग होती है। ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस, रीयूनियन के बाद भी आपकी रास्ते में काफ़ी ऑब्स्टिकल्स आएंगे, तो उसको उसके बारे में वो सोच रहे हैं। आपके लिए जो आपको लेकर जब आगे चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो चैलेंजेस जो उनकी लाइफ में आएगी, उन चीज़ को लेकर वरीड है वो। मटीरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी यही है, आपके साथ आने के बाद दोनों चीज़ बैलेंस हो जाएगी, आपके लाइफ में अबंडेंस आएगी, ये उनको भी पता है।
मटेरियल हार्वेस्ट, तो काफ़ी ज़्यादा आपको लेकर होप है उनको, अभी भी पता है कि आप माफ़ कर देंगे और उनको एक्सेप्ट कर लेंगे, उनको पता है ये चीज़, आपसे बहुत प्यार करते हैं। और वो अभी फ़िलहाल प्लानिंग कर रहे हैं, काफ़ी चीज़ें सोच रहे हैं कि किस तरह से किया जाए और कैसे आगे बढ़ा जाए। तो अवेयरनेस के उनको उनके लिए यूनिवर्स उनको अवेकन करने में हेल्प कर रहे हैं, उनको क्लूज दे रहे हैं, हिंट्स दे रहे हैं, आपके लिए सही रास्ता दिखा रहे हैं। तो उनके भी क्राउन चक्रा जो है, डिवाइन की ब्लेसिंग्स और क्राउन चक्रा खुल रहे हैं, तो जैसे ही बहुत जल्दी यूनियन हो सकता है, तो प्रिपेयर रहिए आप और अपने हार्ट चक्रा पे काम करिए। जो भी गुस्सा है, नाराज़गी है, उनको माफ़ कर दें और उनको जाने दें। देखते हैं कि नेक्स्ट मूव उनके लिए, उनकी तरफ से क्या होगा, आपके लिए नेक्स्ट कदम, अगला कदम क्या होगा आपके लिए इस रिलेशनशिप को लेकर, क्या प्लानिंग चल रही है उनके माइंड में। द गार्डन एट द गेट, उनको पता है कि आप ही उनके खुशियां हैं, उनके अबंडेंस हैं, तो आपके पास आने का प्लान बना रहे हैं। देख रहे, देखिए दो बटरफ्लाई दिख रहा है वाइट कलर का, काफ़ी ज़्यादा अबंडेंस आने वाला है आपके लाइफ में, और वो लाएंगे आपकी ट्विन फ्लेम। पर आप उनके बारे में ज़्यादा ना सोचें, आप अपने काम पे ध्यान दें। फर्स्ट चक्रा आर्चेंजल माइकल आपके लिए, उनकी वो आप उनके प्रोटेक्शन में हो, आपकी रिलेशनशिप सेफ है, डोंट वरी। जैसे ही आपके इनर वर्क्स ख़त्म हो जाएंगे, आप बैलेंस में आ जाओगे। आप अभी भी थोड़े बहुत इनबैलेंस हो, कंफ्यूज रहते हो, कंफ्यूज मत रहिए, आगे बढ़िए। फोर्थ चक्रा आर्चेंजल रेफेल ये भी आपके साथ हैं, दो दो एंजल्स आपके साथ हैं, आपके रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, यूनिवर्स आपके साथ है, प्लानिंग्स कर रहे हैं आपके लिए, सो डोंट वरी। एनवी, आप अगर देखिए इस सिचुएशन में हैं और यहाँ पे रोशनी है, यहाँ इस तरफ को मुड़ने के लिए जाने के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि वो अपने आप जो भी इनका इनके साथ हो रहा है, आपको तो पता है कि आपकी ग्रोथ के लिए होता है ये रिलेशनशिप। एक्चुअली देखा जाए तो ये सेपरेशन आपके लिए होता है कि आप ग्रो करें, आप प्रैक्टिकल हो जाएं, आप इंडिपेंडेंट हो जाएं। तो जितने भी मुश्किलात में ये गुजर रहे हैं अभी इस वक्त, वो आप ही के लिए, इतना याद रखिए आप ही के सोल हैं। तो आप जितनी जल्दी, जितना हाई वाइब्रेशन में, हाई एनर्जी में रहेंगे, उतने ही वो भी रहेंगे। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, बहुत सुंदर कार्ड्स आ रहे हैं। तो आपकी जो हीलिंग जिस तरह से हुई है, वो उन पे भी काम कर रही है, जैसे जैसे आप हील हो रहे हो वैसे वैसे वो भी हो रहे हैं। तो उसके बाद देखिए अंदर कितना सुंदर गार्डन है और दरवाज़ा है, रेनबो है, स्पिरिचुअल नॉलेज जो आपको इस जर्नी के दौरान मिले हैं और जो डिवाइन के ब्लेसिंग्स मिले हैं, आप इस जर्नी के लिए आपको चूज़ किया है उसके लिए ग्रेटफुल दिखाइए, यूनिवर्स को थैंक्स बोलिए, ग्रेटफुल रहिए हमेशा। ये आप ही के ग्रोथ के लिए हो रहा है। फिफ्थ चक्र आर्चेंजल गैब्रियल, उनकी ब्लेसिंग्स भी है आपके साथ, तो देखते हैं और गॉड्स एडवाइस क्या है आपके लिए। मैं रोज डीएम की एनर्जी चेक करूंगी आपके लिए, पर आप चेक करने के बाद आप अपना काम में लग जाइए, ये नहीं कि पूरे दिन उसी को याद कर रहे हैं। आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में मूव कर लीजिए और आगे बढ़िए, वो आएंगे। ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन, आप उनको चेज तो ना करें, लेकिन सिचुएशन को हमेशा एक प्यार से हैंडल करें। न्यू मून इन अक्वेरियस, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। पास्ट को लेकर आप फ्यूचर में को हैंडल ना करें, जैसे अगर वो कल को आ भी जाते हैं तो पास्ट की चीज़ें ना बोलें, रिपीट ना करें, वही चीज़ें रिपीट ना करें। साइकिल
खत्म हो चुका है, न्यू बिगिनिंग है। वॉट डू यू नीड टू रिलीज, सोचिए क्या रिलीज करना है आपको, किस चीज को, इमोशंस को, डर को, या फिर एंगर को, क्या चीज हील होना बाकी रह गया उस पर काम करें। थोड़ा ज्यादा ना सोचें, जस्ट गो विद द फ्लो। मैं तो ये कहूंगी कि ज्यादा जितना सोचोगे आप अपने आप को जज ना करें, आप परफेक्ट हैं जैसे हो, आप डिवाइनली चूजन वन हो, बिल्कुल परफेक्ट हो 100%। लेकिन अगर कुछ बातें हैं, पुरानी बातें, तो उसको जाने दें, उसको छोड़ ही दें। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। आप अपने इंस्टिंक्ट पे भरोसा रखें कि ये होंगे ज़रूर, क्योंकि अभी न्यू बिगनिंग शुरू हो गई है। जितने भी ट्विन फ्लेम्स हैं और जितने भी फेमिनाइंस हैं और मैस्कुलिन हैं, इन सब की नई शुरुआत हो चुकी है इस साल के शुरुआत से। तो आप ट्रस्ट करिए, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करिए, अपने सपनों पे ट्रस्ट करिए। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, देखा कितने सुंदर कार्ड्स आए हैं। तो इससे ज़्यादा मैं और क्या बोलूँ, बहुत ही अच्छी एनर्जी है। ऐसी ग्रो होते जाइए, किसी चीज़ को ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, जैसे हो आप वैसे अच्छे हो। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। आपकी सक्सेस जो है वो आपके कॉन्फिडेंस जो है वो आपकी सक्सेस की की है। तो कॉन्फिडेंस, सोलर प्लेक्स चक्रा पे काम कर लीजिए। थोड़ा सा मेडिटेशन सोने से पहले एक 5 मिनट्स 10 मिनट्स का मेडिटेशन कर लीजिए डेली। इससे आपको अच्छा फील होगा। ना कि आप अपने अपने लिए करिए, अपने सोल के लिए करिए। मैं तो यही बोलूँगी कि सबके लिए अच्छा है ये, जर्नी में है इसलिए नहीं। अदरवाइज भी अगर रात को सोने से पहले 5 मिनट 10 मिनट का मेडिटेशन करके सोते हो, और सुबह उठते ही अगर आप एक घंटे तक अगर मोबाइल नहीं हाथ लगाते हो, तो आपका पूरा दिन बहुत ही स्मूथली और अच्छा सा जाएगा। एंग्जाइटी वगैरह कुछ भी, डिप्रेशन नहीं होगा। आप अपना काम करते रहिए और फ्लो में चलिए, खुश रहिए। वो आप ही के अंदर हैं, आप उनके अंदर आप हो हमेशा, याद रखिए। उनके हाफ हिस्सा आप हो, तो हाफ सोल उनका जो है वो आप ही का है। सो डोंट वरी, आप वो जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ आप ही जाते हो। तो हमेशा सोल को एक अलाइनमेंट होने दें, तब आपको नहीं लगेगा कि वो क्यों नहीं आए। आपको लगेगा कि आप ही के अंदर हैं और आप उनके अंदर हो। वो होती है डिवाइन टाइमिंग। तो इस तरह से आपको एंजाइटी वगैरह भी नहीं होगी, किसी चीज़ को सोच के वरीड भी नहीं होंगे। वैसे कार्ड्स बहुत अच्छे हैं, कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हो कि पता नहीं शायद मुझसे प्यार करते नहीं करते। ऑफ कोर्स करते हैं, आपको इसी तरह से डिज़ाइन किया गया है, उन्हीं के लिए डिज़ाइन किया गया है कि आप जैसे भी हो उनको अट्रैक्ट करते हो। ये नहीं सोचो कि शायद मेरे से कोई और ज़्यादा बेटर है या कोई और, अपने आप को किसी के साथ कंपेयर ना करें। ओके, थैंक यू, बाय, टेक केयर। होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय।